हाँ तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, और थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग हीट इंजन पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमने पढ़ लिया था कि क्या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, क्या बेसिकली थर्मोडायनेमिक लॉज होते हैं, हमने उसमें सीखा था कि थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या होता है, और उन प्रोसेस से कितना वर्क डन होता है, ये सब डिस्कशन हमने कर ली थी। अब हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय अगर हमने वो सब प्रोसेस सीखे, वो सब प्रोसेस पढ़े, उनके वर्कडन पढ़े और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखा, तो उन सब के बेसिस पर क्या हम कोई मशीन बना सकते हैं या नहीं। यानी कि आज हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। तब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट। यानी कि हम बेसिकली हीट एनर्जी को, यानी कि थर्मल एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी पैदा करना चाहते हैं। अब उसके बेसिक्स हमने खत्म कर लिए हैं, अब आज हम लोग वो डिवाइस बनाएंगे जो डिवाइस सच में थर्मल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल वर्क करके देता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसको जो ये काम करता है उस मशीन को, उस डिवाइस का नाम देते हैं हम लोग क्या, हीट इंजन। तो बेसिकली हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर थर्मल एनर्जी से वर्क डन पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हीट इंजन को पढ़ना। तो बच्चों, हीट इंजन को पढ़ाने से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करता हूं, कॉन्सेप्ट के बारे में जानकर देता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट इसका एक्चुअली है। देखो, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी हीट इंजन पढ़ने से पहले। जैसे सबसे पहले बात आपको यह पता होनी चाहिए कि किसी भी वर्क डन को कराने के लिए फ्लो जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर मान लीजिए मैं तुम्हें बताऊं कि भाई कोई भी हम टर्बाइन लेते हैं, टर्बाइन तुमने नाम सुना होगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो वो टर्बाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करता है, तो आंसर है वो पानी से बिजली बनती है। ऐसा तुमने सुना होगा, ये वर्ड तुमने आमन यूज़ किया होगा या सुना होगा कि पानी से बिजली बनती है। अब हमारे पास एक टर्बाइन है और एक पूरे तालाब में पानी भरा हुआ है, तो हम उस टर्बाइन को ले जाएं और उस तालाब में डाल दें और उससे बिजली बना लें। लेकिन ये सही नहीं है, पानी भी है, तालाब भी है, बट बिजली नहीं बनेगी। उसके लिए क्या करना जरूरी है, उसके लिए पानी का बहना जरूरी है। यानी ये कोई नदी हो और वो पानी बह रहा हो, उसके बीच में ले जाके हम अपना टर्बाइन रखें तो टर्बाइन रोटेट करे, और उस टर्बाइन के रोटेट करने से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ रुकी हुई है वो एनर्जी पैदा कर देगी। उसके लिए क्या करना जरूरी है, उसका बहना जरूरी है, उसका बहाव जरूरी है, तब उसका फ्लो होगा। तो उस फ्लो के बीच में हम क्या करेंगे, अपना हम अपना डिवाइस लगा करके, हम अपना सिस्टम लगा करके, हम अपना वर्किंग सब्सटेंस लगा करके वर्क करा लेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है कि आपको फ्लो होना जरूरी है, किसी भी चीज़ का फ्लो होगा तो ही हम वर्क डन करा पाएंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग हीट को यूज़ करते हुए वर्क कराने वाले हैं, और तब हम लोग हीट को यूज करते हुए वर्क डन कराने वाले हैं। तो अब किसका फ्लो होना जरूरी है, हीट का फ्लो होना जरूरी है। और अगर अब हीट का फ्लो होना जरूरी है तो आपको यह बात पहले से पता है कि भाई हीट कहां से कहां फ्लो होती है, तो आंसर है हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में। तो हमें क्या चाहिए, हमें दो अरेंजमेंट चाहिए। दो अरेंजमेंट कौन कौन से चाहिए, एक तो ऐसी चीज चाहिए, हमें कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिसका टेम्परेचर बहुत हाई हो, और एक दूसरे ऐसी कोई चीज चाहिए, ऐसी कोई वस्तु चाहिए जिसका टेम्परेचर लो हो, और फिर उसके बीच में एक रास्ता हो जहां से हायर टेम्परेचर से हीट लोअर टेम्परेचर की तरफ जाए, और तब वो हीट हायर टू लोअर टेम्परेचर में जा रही हो, तो बीच में हम अपना वर्किंग सब्सटेंस रख दे, और वो वर्किंग सब्सटेंस रखा हुआ क्या करें, हमें वर्क करके दे। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है एक्चुअली ये किसका पार्ट है, ये हीट इंजन का पार्ट है। तो हीट इंजन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक हॉट बॉडी चाहिए, आपको एक हीट रिजर्वायर चाहिए। तो हम यहां पे इसको ड्रॉ करते हैं, इस जो मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई इसको मैं पिक्चर में ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये एक हीट रिजर्वायर है, ऐसा एक सिस्टम है जिसको हम लोग हीट रिजर्वायर कहते हैं। हीट रिजर्वायर से मेरा मतलब ये है बच्चों कि जिसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहे। ऐसा कह सकता हूं मैं कि एक ऐसा सिस्टम जो लगातार हीट देते रहे और उसके हीट निकलने से उसका टेम्परेचर डाउन ना आए। मान लीजिए ये एक हीट रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर T1 है। अब इसे कितनी भी हीट एमिट हो जाए, कितनी भी हीट निकल जाए, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, इसका टेम्परेचर T1 ही रहेगा। क्या ऐसा कोई सिस्टम है, हाँ ऐसा है सिस्टम है, सन से लगातार हीट आई जा रही, उसका टेम्परेचर थोड़ी ना कम हो जाता है कि भाई बहुत सारी हीट चली गई है अब सन का टेम्परेचर कम हो गया, या सन ने हीट देना बंद कर दिया, नहीं। तो हीट रिजर्वायर यानी कि इसका टेम्परेचर T1 है जो कि हीट का सोर्स है, उससे कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। आप उसे कितनी हीट ले लीजिए कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअसली हीट उसमें से मिलती रहेगी, और खासकर यह बात कि उसका टेम्परेचर T1 मेंटेन ही रहेगा।
अब हमारे पास एक सिस्टम बन गया है कि भाई जहां पर हमें ज्यादा हीट है, अब इस हीट को लेकर कहां जाना है, कम हीट की तरफ यानी कि कम टेम्परेचर की तरफ। तो हमने यहां पर एक दूसरा अरेंजमेंट लिया जिसका नाम बच्चों हमने दिया सिंक, इसको हम लोग सोर्स भी कहते हैं। ये सोर्स है हीट का और ये क्या है सिंक, सिंक मतलब जहां पर जाके हीट, जहां से हीट बेसिकली जहां से चलना स्टार्ट हुई और जहां पर जाके रुकी, तो वो सिंक है, वो सिंक में जाके हीट थम गई। तो यहां से हायर यानी कि हॉट बॉडी से हीट रिजर्वायर से सिंक की तरफ हीट को फ्लो होना है। और यहां से हीट का फ्लो कैसे हुआ, यहां से हीट निकली होगी और मान लीजिए यहां से हीट निकली कितनी Q1। हमने बीच में क्या किया, बहती गंगा में हाथ धोने वाले काम, यानी कि यहां से हीट तब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर T2 है, और यहां पे मेंशन किया हुआ है कि भाई जो टेम्परेचर T1 है दैट इज मच ग्रेटर देन T2। तो यहां से तब हीट वहां जा रही थी, तो हमने बीच में क्या किया, वर्क करा लिया, अपना सिस्टम रख दिया। जैसे बहते हुए पानी के बीच हम क्या रख देते हैं, टर्बाइन रख देते हैं, उससे हम लोग बिजली बना लेते हैं। तो हमने यहां पर कुछ जुगाड़ रखा और उस जुगाड़ को हमने बेसिकली क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया वर्क फंक्शन, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस। बेसिकली यहां पर हमने एक वर्किंग सब्सटेंस की जगह पे यूज किया जिसको मैं कह रहा हूं वर्किंग सब्सटेंस। क्यों कह रहा हूं मैं इसको वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि इसने वर्क करके दिया भाई। यहां से हीट यहां पर जा रही थी, इसका टेम्परेचर T1 हायर है, उसका लोअर है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो हो रही थी, बीच में उन्होंने वर्किंग सब्सटेंस रखा, उसे वर्क करा लिया और बची हुई हीट कहां चली गई, सिंक में चली गई। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, यहां से हमने कुछ वर्क डन निकाल लिया, W वर्क डन हमें मिल गया, और यहां से बची हुई हीट क्या थी Q2, और वो कहां चली गई, सिंक में चली गई। और जब ये पूरे का पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ हमारा वर्क मिल रहा है और हीट एनर्जी से पूरा काम हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, तो अपनी मोटरसाइकिल में जो इंजन है उस इंजन में लगातार यानी कि पेट्रोल जो हमारे पास, वो पेट्रोल लगातार जल रहा है और वो पेट्रोल लगातार जले जा रहा है, जले जा रहा है, जले जा रहा है, क्या है उसके, उसे हायर टेम्परेचर पैदा हो रखा है, यानी कि वो हॉट रिजर्वायर यानी कि वो हीट रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है। अब उसे लगातार हीट निकले जा रही है और वो हीट निकल करके कहां जा रही है, साइलेंसर से सराउंडिंग में जा रही है। अब वो जो सराउंडिंग है जहां से हीट बनी, वो इंजन, वो पेट्रोल का जलना और जल करके साइलेंसर से सराउंडिंग में शेयर होना, वो सराउंडिंग क्या है, सिंक। कितनी उसको हीट दे दीजिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कितनी ही उससे आप हीट ले लीजिए, पेट्रोल है तो पेट्रोल जलता रहेगा और हीट आपको मिलती ही रहेगी। और बीच में हमने क्या रख दिया, बीच में हमने अपने पिस्टन और चक्के, एक्सेलेटर, व्हाटएवर जो भी हमारा काम है वहां पर, जो मोटरसाइकिल को चलाता है, वो पूरे का पूरा हमने यहां पर रख लिया। और जब वो हीट यहां से फ्लो हुई तो हमने बीच में जो वर्किंग सब्सटेंस था उसने हमें वर्क डन करके दिया, W वर्क करके दिया। तो ये एक्चुअली क्या है, पेट्रोल का जलना, ये क्या है, साइलेंसर में से हीट का निकलना, धुआं का निकलना, और बीच में क्या है, ये हमारा एक्चुअली हीट इंजन है, ये हमारा क्या वर्किंग सब्सटेंस है, ये हमें वर्क करके देता है। और उस वर्क से क्या होता है, चक्का घूमता है और हम लोग आगे तक बढ़ते हैं, आगे तक जाते हैं, भागते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर हीट थी और हीट ने क्या पैदा कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी पैदा कर दी, मैकेनिकल वर्क करके हमें दिया। तो ये है एक्चुअल में वो प्रोसेस, वो हीट इंजन, इसके बारे में तुम्हें बात बता रहा हूं। अब बच्चों ढंग से सुनना, क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई यहां पर ये Q1 हीट निकली तो उसने क्या काम किया, उसने दो काम किए, Q1 हीट ने दो काम किए, क्या क्या, Q1 हीट ने एक तो वर्क डन करके दिया और दूसरा बची हुई हीट को आगे भेज दिया। यानी कि अगर हम वर्क निकालना चाहें कि कितना वर्क हुआ, तो वर्क ऐसे निकलेगा कि अगर मैं यहां पे इसको लिख लूं कि ये दैट इज द W इज इक्वल टू व्हाट, ये Q2 इधर आ जाएगा, यानी कि Q1 टोटल थी, उसमें से Q2 को निकाल दें तो बचेगा क्या हमारे पास, वर्क डन ही बचेगा, दैट इज एक्चुअली वर्क डन। अगर मान लीजिए यहां से 100 हीट निकली, 100 यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, और 100 यूनिट लेकर के यहां पर उन्होंने 40 वर्क किया और 40 वर्क करके क्या हुआ, 60 सराउंडिंग में चला गया, राइट। अब अगर हम ऐसा कहें यार हमने 100 खर्च किया था और 100 खर्च करने पर केवल 40 ही हमारी यूजफुल हुआ, बाकी सब तो धुआं बन गया, सब कुछ सराउंडिंग में चला गया, तो हम कहेंगे यार ये अच्छी मशीन नहीं है, और यहां से अगर 100 निकल रहा है तो एटलीस्ट कम से कम 50 तो उसको वर्क करना चाहिए था। तो 50 जाएगा तो 50 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। अब हम क्या कहेंगे कि 40 वाली से 50 वाली मशीन बेहतर है, 50 वाली मशीन अच्छी है। अब अच्छी मतलब क्या, इफिशियंट है, कि हम जितना उसको दे रहे हैं उसका ज्यादा काम हमें करके वो दे रही है। तो इससे हम लोग निकालते हैं इस इंजन की, हीट इंजन की इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो अपना अगला पड़ाव यही है कि बच्चों हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, इफिशियंसी ऑफ इंजन।
जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होती है क्या इफिशियंसी, हमेशा अगर आपको निकालनी है तो हम क्या करते हैं, कितना मिला और कितना हमने दिया था। तो मतलब ये कि आउटपुट अपॉन इनपुट, ये हमेशा के लिए याद रखना आज के बाद, कि तब भी आपको इफिशियंसी निकालनी हो किसी को, कितना इफिशियंट है तो कितना वो करके दे रहा है और कितना हम उसको दे रहे हैं। तो बेसिकली इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ओवर प्रोवाइडेड हीट, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। क्योंकि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, दैट ईटा इज इक्वल टू आउटपुट, हमें क्या मिल रहा है, तो आउटपुट हमें मिल रहा है वर्क डन, भाई हमें काम मिला और हमने उसको दिया क्या, पेट्रोल जलाया, Q1 दिया, तो ईटा इज इक्वल टू W बाय Q1। ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अब हमारे पास W का फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू व्हाट, Q1 माइनस Q2। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इट्स Q1 माइनस Q2 बाय Q1। सिंपल शब्दों में कहें तो यहां से Q1 बाय Q1 क्या हो गया, 1 माइनस ऑफ Q2 बाय Q1। यानी कि अगर मैं ईटा को लिखना चाहूं, यहां लिखता हूं, तो दैट ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, दैट इज एक्चुअली इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, कि हीट इंजन कितना इफिशियंट है, कितना अच्छा वो हमें काम करके दे रहा है। और इसी से हमें पता लगता है कि भाई वो जो बेसिकली हमने जितना खर्च किया है, जितना हमने उसको पेट्रोल जलाया है, उससे कितना हमें वर्क मिला है, कितना हमें उसका आउटपुट मिला है। इसको टेम्परेचर की टर्म्स में भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्या कैसे, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, दैट Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। और अगर हम यहां से Q1 की बात कर रहे हैं, Q2 की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डेल्टा T2 चेंज, और 1 की बात कर रहे हैं तो 1 चेंज होगा, तो MS डेल्टा तो सब में से कट जाएगा, तो ये ईटा क्या बन जाएगा, दैट ईटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस Q2, ये क्या लिख दूंगा मैं, MS डेल्टा खत्म, T2, और Q1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, T1। तो ये भी एक रिजल्ट हो सकता है, किसके लिए, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन के लिए। तो आपको इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ऐसे गिवन होगा, कभी भी कोई भी जो इंजन है वो 100% इफिशियंट नहीं हो सकता, यानी कि उसकी वैल्यू इफिशियंसी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि भाई Q2 कभी खत्म नहीं हो सकता, Q2 कभी को जीरो हम नहीं कर सकते, Q2 को जीरो क्यों नहीं कर सकते, Q2 जीरो इसलिए नहीं कर सकते कि भाई मान लीजिए आपको आपका इंजन है आपके उसके साइलेंसर में केला डाल देंगे तो क्या होगा, फ्लो रुक जाएगा, और फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहा, फिर तो हीट इंजन का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है अगर उसका उसने वर्क ही नहीं करके दिया। तो ऐसे हम लोग ये कहते हैं कि बच्चों इस केस में ये जो नंबर है Q2 बाय Q1 या T2 बाय T1 ऑलवेज कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या होती है, 1 में से माइनस हो जाती है, और तो वो 1 में से माइनस हो जाती है तो क्या होता है, तो हमें क्या मिलता है, तो बेसिकली हमें बेसिकली जो वैल्यू है वो 1 से छोटी मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि 100% कोई भी इफिशियंट हो ही नहीं सकती, सिंक में तो जाएगा ही जाएगा, और सिंक में जाएगा तो क्या होगा, तभी वो उसमें वर्क डन करके देगा, क्योंकि तभी उसका फ्लो होगा। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन है ये एक्चुअली है आपका हीट इंजन के बारे में। अब हीट इंजन की टाइप भी होती हैं, टाइप जैसे इंटरनल IC इंजन होते हैं, हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, तो इस तरीके से वो अलग अलग टाइप हैं, वो अब फर्दर क्लास में आगे जाएंगे तब जाके पढ़ेंगे। बट अभी इतना हमें ये पता होना चाहिए कि इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कैसे फ्लो होता है, कितना वर्क डन होता है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रिफ्लेक्ट कराता हूँ, फिर वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से। क्वेश्चन में कहता है वो कि इफ अ हीट इंजन, कोई एक हीट इंजन है, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, यानी कि वो टेम्परेचर T1 दे रहा है अगर वो सोर्स का टेम्परेचर की बात कर रहा है, एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक यानी कि वो T2 दे रहा है, आर 500 केल्विन एंड 375 केल्विन, यानी कि उसने T1 जो दिया है दैट इज 500 केल्विन, और T2 जो दिया है दैट इज 375 केल्विन। इफ द इंजन कंज्यूम्स, यानी कि इंजन है वो हीट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हीट को बेसिकली इंजन को हीट दी जाती है। अब इंजन को हीट कहां से मिलती है, Q1, दैट इज व्हाट, दैट इज Q1 इज इक्वल टू हाउ मच, 25 × 10⁻¹⁵ जूल, ये डेटा उसने गिवन किया। फिर कहता है, और ये क्या कहा, पर साइकिल, एक साइकिल की बात कर रहा है वो, फाइंड द इफिशियंसी ऑफ इंजन, इंजन की इफिशियंसी बताओ कैसे निकालते हैं। तो भाई इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे 1 माइनस T2 बाय T1। सर Q1 क्यों लिखा, भाई T1 दे रखा है, Q1 क्यों लिखूं मैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज
375/500। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 पे कट होगा, तो 1 माइनस 0.75, यानी कि ये 0.75 आता है तो आपके पास बचेगा 0.25, विच इज बेसिकली 25%, यानी कि आपका इंजन इस केस में 25% इफिशियंट है। वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर आया है फर्स्ट पार्ट का। और आप अब ये सब कुछ सीख चुके हैं, आपको मालूम है कि टेम्परेचर T1 किसका है, टेम्परेचर T2 किसका है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो, सेकंड पार्ट में कहता है वर्क डन निकालिए पर साइकिल कितना हुआ। वर्क डन का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब यार हमारे पास तो Q2 नहीं है, अब क्या करें। अब सोचो कि वर्न का और फॉर्मूला कौन सा होता है, तो एक फॉर्मूला होता है कि हमारे पास अब ईटा आ गया है, तो ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई क्या था, Q1। देखो ये सोचना है, आपको पता होना चाहिए यार, यहां तो ये वाला नहीं तो कहां से निकल सकता है वर्न, Q1 की फॉर्म में कहां दे रखा है वर्न, ईटा के टर्म्स में दे रखा है। तो बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज W इज इक्वल टू ईटा माइनस ईटा इंटू Q1, इधर आ जाएगा ये। और ईटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.25 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 25 × 10⁵, यानी कि 25, 6 से 25, यानी कि 6.25 × 10⁵ जूल, इतना होगा वर्क डन। इस फॉर्मूले से हमारा वर्क डन कैलकुलेट हुआ। अब तीसरा पार्ट भी पूछा उसने, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, यानी कि Q2 पूछता है तीसरे पार्ट में। अब क्या पूछता है आपसे, Q2 निकाल के बताओ। अब Q2 कैसे निकलेगा, ये तो अब आसान हो गया कि भाई वर्कडन भी हमारे पास आ गया, Q1 भी हमारे पास आ गया, तो क्या कर देंगे, Q2 निकालना है हमें। तो हम ऐसा करते हैं बच्चों, इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, यानी कि हमें करना पड़ेगा Q1 माइनस W। अब Q1 कितना था, दैट Q1 इज बेसिकली 25 × 10⁵ और W कितना था, दैट इज 6.25 × 10⁵, यानी कि 25 − 6.25 डायरेक्ट कर लेते हैं और कॉमन आ जाता है कितना, 10⁵ दोनों के साथ है। और दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 25 में से 6 गया, 6.25 गया, तो करीब 19 18.75 × 10⁵ जूल। तो यहां से आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग हीट कैलकुलेट करते हैं, और उन सब जो मैंने फॉर्मुलास पढ़ाए थे, अभी बताए थे कि हीट इंजन में क्या क्या फॉर्मुला और कैसे कैसे हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो दैट इज द ऑल एप्लीकेशन ऑफ दैट हीट इंजन, की हीट इंजन के फॉर्मुले कैसे अप्लाई करते हैं। फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको और ज्यादा इसकी समझ बढ़ेगी कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर हो सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर काम करता है, उसको हम लोग रिवर्स हीट इंजन कहते हैं, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए तुम खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।